जिला पुस्तकालय के समीप स्थित रेड़ी फेरी मार्केट का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याओं को लेकर उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर से मिला। इस दौरान रेड़ी फेरी विक्रेताओं ने उपायुक्त से मांग की है कि जल्द ही उन्हें छत की सुविधा दी जाए ताकि वे अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सकें। रेड़ी फेरी विक्रेताओं का कहना है कि उनके लिए छत का प्रावधान किया जाए ताकि वे बारिश के मौसम में भी अपनी दुकानें चला सकें और अपनी आजीविका का निर्वहन कर सकें। रेड़ी फेरी विक्रेता संघ SR राजू ने बताया कि पिछले कल उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर से अपनी समस्याओं को लेकर गए थे, जिसमें उन्होंने उपायुक्त को बताया कि रेड़ी फेड़ी मार्केट में व्यापारियों के लिए छत का प्रावधान किया जाए ताकि वे अपनी आजीविका बारिश के मौसम भी कमा सकें, क्योंकि बारिश होने से उन्हें अपनी दुकानों को बंद करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष सेरी चारणी में व्यापार कर रहे हैं लेकिन उनका व्यापार बिल्कुल ठप है। पिछले कल हम आदरणीय DC महोदय जी से मिले, प्रशासनिक अधिकारी जी से, कि कई वर्षों से हम यहाँ बैठे हैं, लगभग 2 वर्ष हो गए स्कूल बाजार से जब से हमारे को उठाया हुआ है, तो 2 वर्षों से हम यहीं बैठे हैं। हमारा काम जो है बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, ना ही अभी भी चल रहा है, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग जो अभी इस चीज़ को नहीं लगा रहे हैं रेड़ियाँ यहाँ पे, और ये तरपाल देख रहे हैं आपके पूरी तरह से लगे हुए, हवा आती है तो उड़ा के ले जाती है, कभी बिजली के तारों पर फंस जाते हैं, कभी नुकसान हमारा हो जाता है। तो हम माननीय DC महोदय जी से कल मिले और उन्होंने कहा, आश्वासन हमें दिया कि इसके ऊपर हम छत का जो है वो प्रावधान किया जाए। वो कह रहे हैं कि अब जल्दी इसको जो है वो कर दिया जाएगा। हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारी 2 टाइम की रोजी रोटी वो सुचारू रूप से चल सकें, क्योंकि सभी गरीब आदमी जो है वो रोजगार के लिए तरस रहे हैं। सरकार भी बोल रही है कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, गरीबों के उत्थान के लिए क्या करेंगे, गरीबों के लिए उत्थान के लिए करके दिखाएं। वहीं रेड़ी फेड़ी विक्रेता परस राम ने बताया कि उपायुक्त मंडी से छत डलवाने की मांग की गई है ताकि सभी विक्रेता अपना व्यापार चला सके। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जिस तरह तिप्ती मार्केट बनाई गई है उसी प्रकार उन्हें भी ये सुविधा दी जाए। वहीं गोलगप्पे की रेड़ी लगाने वाले योगराज ने मुख्यमंत्री व उपायुक्त से मांग करते हुए कहा कि उनके लिए छत का प्रावधान किया जाए। रोजी रोटी नहीं चल रही है और यहाँ पर जो है छत पड़ जाए चारों साइड से सेट ला के दे दे पुखे टाइप जैसे तिब्बतियों को दिए हुए हैं, तो शायद हमारा रोजगार चल पड़े। तो इस हिसाब से हम यही गुजारिश करेंगे कि हमारा ये जो है काम मुख्यमंत्री से भी ये जल्द से जल्द किया जाए। जी हम सर कल जिस हिसाब से मिले और यहाँ शहरी चारणी पार्टी में हम कारोबार करते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि छत छत पड़ जाए और हमारा कारोबार चल पड़े, और मुख्यमंत्री से भी और जिस हिसाब से भी गुजारिश करना चाहते हैं। जब इस बारे में उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि रेड़ी फेड़ी मार्केट में विक्रेताओं को जल्द ही छत का प्रावधान कर दिया जाएगा ताकि सभी व्यापारियों का व्यापार चल सके। आपको बता दें कि रेड़ी फेड़ी विक्रेताओं का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्या के बारे में अवगत करवा चुका है और उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दे दिया है कि जल्द ही उनकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा। जो रेड़ी फेड़ी के कुछ लोग जो है वो जो रेड़ी फेड़ी लगाते हैं वो मेरे पास कल आए थे और उनकी डिमांड थी कि जो हमने यहाँ पर हमारी जो पार्किंग होती थी लाइब्रेरी के सामने वहाँ पर जो स्थान दिया है उसको अच्छा एक उसमें छत वगैरह लगा के व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध करवाएं ताकि सबके लिए अच्छे से बैठ सकते हैं और अच्छा एक लुक भी उसका आएगा। तो इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको जैसे वो चाह रहे वैसे हम कर पाएं।